जय हिंद बच्चों, कक्षा छठी की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण वाटिका के पांचवें पाठ शब्द भेद अर्थ के आधार पर के तीसरे भाग में के तीसरे वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछले जो दो वीडियोस आप लोगों ने देखे उनमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़े, विलोम शब्द पढ़ा, पर्यायवाची शब्द पढ़ा, एकार्थी शब्द पढ़ा, अनेकार्थी शब्द पढ़ा और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा, ठीक है। तो उन सबको तो आपको कॉपी में लिखना है, इसके अलावा भी अर्थ के आधार पे बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 6 नंबर से जो हम पढ़ेंगे ना, जैसे समरूप भिन्न अर्थक शब्द, इनको सिर्फ समझना है आपको, कॉपी में इन्हें आपको नहीं लिखना है, इसके सिर्फ आपको बुकवर्क करने हैं, ठीक है, पुस्तक अभ्यास कार्य करने। तो आइए बच्चों, इसे सिर्फ पढ़ते हैं और समझते हैं। जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों का काफी प्रयोग होता है और इनमें फर्क करना बहुत जरूरी है, इनको समझना, इनके अंतर को समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द है जो सुनने में एक ही जैसे लगते हैं, ठीक है, परंतु वर्तनी के साथ उनका अर्थ भी अलग होता है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं समरूप भिन्नार्थक शब्द। मतलब समरूप मतलब एक जैसे तो दिखते हैं लेकिन इनमें अंतर भी होता है, ठीक है, इनके अर्थों में। जैसे जलज, जलज मतलब कमल का फूल, और जलद, जलद मतलब बादल, मूल, मूल मतलब जड़, और मूल्य मतलब प्राइस। जैसे लेस का पैकेट कितने का दिखा रहा है यहाँ पर, 50 का, ठीक है। तो वैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अचार, खाने खाते हम और अचार आपका बिहेवियर। अनिल हवा को, अनल आग को कहते हैं। अवधि का अर्थ समय होता है, अवधि का अर्थ समय, अवध प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा। अलसी, तीसी, आलसी जो लेजी होते हैं उनको कहते हैं। अपेक्षा, तुलना में उपेक्षा, किसी का डिसरिस्पेक्ट करना, अनादर करना। उपयुक्त मतलब योग्य, उपर्युक्त मतलब जो ऊपर कहा गया है। और मतलब तरफ, और मतलब तथा या दूसरा। कम थोड़ा, काम कार्य, क्रम निरंतरता, कर्म काम। कपट को धोखा कहते हैं, कपाट को दरवाजा कहते हैं, ठीक। वैसे और भी हैं यहाँ पर देखिए, जो सुनने में एक ही जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग होते हैं। जैसे प्रमाण, सबूत, प्रणाम, नमस्ते को कहते हैं। धरा, पृथ्वी, धारा, प्रवाह। तप, तपस्या, ताप मतलब गर्मी। पिता, जनक, पिता, जनक, पीता मतलब जैसे पानी वानी पी रहे हैं आप। योग मतलब जोड़ना, योग्य मतलब उपयुक्त, सही। बहु मतलब बहुत सारा, बहु मतलब वधु, मतलब आपकी बहु, घर में जो औरतें होती है। शूर मतलब वीर, और सूर मतलब अंधा। पर मतलब पंख ऊपर, पार मतलब दूसरी ओर नदी के उस पार। श्याम मतलब संध्या, श्याम मतलब काला, कृष्ण। पानी मतलब जल, पानी मतलब हाथ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा जब मैं बोल रही थी तो ये सारे शब्द एक ही जैसे हैं लेकिन इनमें थोड़ा बहुत अंतर है, लिखने पर पता चलता है और अर्थ भी इनके अलग अलग होते हैं। तो ये आपने पढ़ा, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसको बार बार पढ़ना है और इसे समझना है। इसे आपको अपनी कॉपी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुकवर्क आपको भेज दिया जाएगा तो आप सिर्फ बुकवर्क कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों, आप देखिए आगे क्या है। यह है शब्द युग्म और पुनरुक्त शब्द। मतलब शब्द युग्म, युग्म मतलब जहां पे शब्द जोड़े में आते हैं, और एक होता है पुनरुक्त शब्द, एक ही शब्द बार बार दोहराए जाते हैं। अभिव्यक्ति और अर्थ में विशेषता लाने के लिए कभी कभी शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है, ठीक है। मतलब एक्सप्रेशन हमारे अच्छे हो, हमारी बात का दूसरों पर अच्छा प्रभाव, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, मतलब अभिव्यक्ति हमारी अच्छी हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी युग्म में शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हाथों हाथ, पशु पक्षी, रंग बिरंगे आदि। तो ऐसे शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक को तो शब्द युग्म कहा जाता है, दूसरे को पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। तो पहले आइए शब्द युग्म समझते हैं। युग्म का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म शब्दों में समानार्थी, विलोम व मिलते जुलते निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है और इनका जोड़ा बनाया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 6 भागों में बांटा जाता है। एक तो सजातीय होता है, जैसे जीव जंतु एक ही जैसे होते हैं, धर्म कर्म, नहाते धोते, दूध दही, पशु पक्षी, लेना देना, फल फूल, दीन दुनिया। अब ये सजातीय हो गए, एक जाति वाले शब्दों का क्या कर दिया गया, जोड़ा बना दिया गया। अब दूसरे होते समानार्थी, है ना, समान अर्थ देने वाले बच्चों का जोड़ा बन गया। जैसे समान अर्थ देने वाले शब्दों का युग्म बना दिया जोड़ा, जैसे बाल बच्चे, दोनों का अर्थ बच्चे होते, काम काज दोनों में हम काम करते, देवी देवता दोनों ही एक ही जाति के होते हैं, एक ही अर्थ दे रहे हैं भगवान, सीधा साधा, दुबला पतला, साफ सुथरा, रूखा सूखा, हंसी खुशी, ठीक है। अब इसका आप जब वाक्यों में प्रयोग करोगे, घर में इसके वाक्यों को पढ़ोगे तो यह आपको समान अर्थ, अच्छा अर्थ देगा, तब आपको समझ में आएगा। अब है विलोम शब्द। कभी कभी हम विलोम शब्दों का भी जोड़ा बनाते, जैसे रात दिन, रात दिन की मेहनत करने के बाद
आज यह मुकाम हासिल किया है, तो यहाँ पर हमने विलोम शब्दों का जोड़ा बनाया है। सुबह शाम, हाला हानि लाभ, आना जाना, ठंडा गर्म, थोड़ा बहुत, नया पुराना। तो ये मैंने कॉपी में लिखने के लिए इससे मना इसलिए मना किया क्योंकि इसका प्रयोग ज्यादातर हम वाक्यों में करते हैं, तो ये आपको समझना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब देखिए, मिलती जुलती ध्वनि से भी हम शब्दों के जोड़े बना लेते हैं बोलचाल में। जैसे देख दाख, सब्जी देख दाख के खरीदना, मतलब अच्छी होनी चाहिए। बची खुची, बच्ची गरीब परिवारों में स्त्रियों के हिस्से में बची खुची चीजें आती है, हिसाब किताब, तर बतर, आर पार, चेहरा मोहरा, उसका चेहरा मोहरा अच्छा नहीं है, आमने सामने। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते शब्दों का यहाँ पर जोड़ा बना लेते हैं कभी कभी बोलने में। और कभी कभी तो हम क्या करते हैं, निरर्थक शब्दों का भी जोड़ा बना लेते हैं। जैसे अंट शंट बकरा है, खटखट दरवाजा ना बकाओ बजाओ, हक्का बक्का रह गया मैं तो, खुसर फुसर करना बंद करो, ऐरा गैरा कोई भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने निरर्थक शब्दों का जोड़ा बनाया, इसमें से किसी का भी कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ देखिए कुछ अन्य भी शब्द युग्म है, जैसे आगे ही आगे, कोई ना कोई, ढेर के ढेर, कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ठीक है, कुछ का कुछ, डर के मारे कुछ का कुछ बोल दिया मैंने, कुछ ना कुछ, कल आना कुछ ना कुछ तो दे ही दूंगा। तो यहाँ पर हमने कुछ अन्य शब्दों के भी युग्म देखे। अब आगे देखते हैं, अब युग शब्दों का दूसरा भेद क्या होता है, पुनरुक्त शब्द। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था, पुन मतलब दोबारा, रुक्त मतलब वही शब्द जो दोबारा आ जाए। शब्द युग में समानार्थी विलोम या मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि पुनरुक्त शब्द में उसी शब्द का प्रयोग दो बार कर दिया जाता है। जैसे कैसे कैसे, रेलवे स्टेशन पर कैसे कैसे लोग दिख जाते, घर घर, चुनाव के समय नेता घर घर घूमते हैं। तो हमने क्या किया, एक ही शब्दों को दोबारा प्रयोग कर देते, वैसे शब्दों को हम पुनरुक्त कहते हैं। ठीक है, तो इस भाग का भी अभ्यास कार्य आपको भेज दिया जाएगा पीडीएफ, तो आप बुकवर्क भेज दिया जाएगा, तो आपको उसको बुक में करने। अब देखिए कुछ विविध शब्द, मिसलेनियस वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे पशु पक्षियों की बोलियां, हम भी तो लिखते हैं ना, जैसे शेर की बोली क्या होती है, दहाड़ना, बकरी मिमी आती है, ऊंट बलबलाता है, गीदड़ हुआ हुआ करता है, मेंढक टर टर करता है, तो इसके लिए भी शब्द बना दिए गए। चीता गुर्राता है, भैंस डकारती है, गाय रंभाती है, गधा रेंगता है, बंदर किलकिलाता है, सांप फुकारता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ते की आवाज को क्या कहते हैं, भौंकना, सुअर हुड़र हुड़र करता है, और हाथी चिंघाड़ता है। ठीक है, वैसे ही हमने कुछ पंक्षियों की भी बोलियां बनाई है, कबूतर गुटरगू करना, भौरा गुंजारता है, पपीहा पीऊ पीऊ करता है, टिटिहरी ट्यू ट्यू करती है। ठीक है, इसकी बोली को ट्यू ट्यू कहते हैं। चिड़िया के बोलने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कई शब्द का, चहचहाना, कौवा काऊ काऊ करना, मोर कुहुकना, कोयल कुहू कुहू करना, मुर्गा कुकड़ू कु करना, तोते की आवाज टैं टैं। ठीक है, और वैसे कुछ समूहवाची शब्द भी होते हैं, जैसे मंडली भजन वजन की होती है, समूह यात्रियों का भी होता है, भीड़ जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए, भंडार मतलब बहुत सारी वस्तुएं एक जगह रख दी जाए, ढेर फल वल का, अनाज का ढेर लगा दिया जाए, संघ मतलब जैसे राज्यों का संघ, झुंड में बहुत सारे पक्षी या जानवर आ जाते हैं, जत्था तीर्थयात्रियों का होता है, रेवड़ बकरियों का जो झुंड होता है उसे रेवड़ कहते हैं, बेड़ा जलयानों का मतलब जहां पर जहाज वगैरह रुकते हैं। ठीक है, तो वो बेड़ा होता है, दल राजनीतिक दल होता है, गुच्छा चाबियों का होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ और भी पदार्थ हैं जिनकी ध्वनियों को हमने अपने शब्द के अर्थ में, इसका भी अर्थ हमने मान लिया, इसे भी हम अपना लिया है शब्द के माध्यम, जैसे घंटी का टन टन करना, बिजली कड़कना, जीभ का लप लपाना, ढोल ढमढम करना, हृदय धड़कना, पंख फड़फड़ाना, घंटी टिक टिक करना, बूंद टप टप, खांसी खौ खौ, तारे चगमगाना, जूते चरमराना, रुपए सिक्के खनखनाना, अश्रु छलकना, पैर पटकना, हवा सरसर करना, ध्वज फहराना, वर्षा छमछम करना, झरना झरझर, गिरना धड़ाम, मेघ गरजना, धनुष टंकार करना, दांत किटकिटाना। तो हमने कुछ ध्वनियां भी मान ली है हिंदी भाषा में, और कुछ क्रियाएं भी मान ली है कि यह वस्तु ऐसी ही क्रिया करती है, जैसे हवा है तो सरसर ही करेगी। ठीक है, दांत है तो वह किटकिटाएगा ही। ठीक है, तो इन कुछ अन्य ये सारे जो है आपने समझ ही लिया, इनका प्रयोग हम वाक्यों में दिन प्रतिदिन करते हैं, इसका भी जो है अभ्यास कार्य आपको भेज दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। ठीक है, भारत में अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है, अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जो जाने अनजाने हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो गए हैं, इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ शब्दों को अंग्रेजी उच्चारण के रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में लिखा भी जाता है, उसको मान भी लिया गया है, इनका हिंदी पर्याय न बन पाया, इनका कोई पर्यायवाची शब्द बन ही नहीं पाया, इसलिए वो एज इट इज यूज किए जाते हैं, जैसे पैंट, आइसक्रीम, स्कूटर, ब्लेड, कूलर, फुटबॉल, क्रिकेट, टायर, मिनट, रेडियो आदि।
और इसके साथ ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी में पर्याय बना लिया गया, मतलब उनका मतलब, जैसे पोस्ट ऑफिस का डाकघर, टेलीफोन दूरभाष, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, रिपब्लिक गणतंत्र, एडिटर संपादक, एडवोकेट अधिवक्ता मतलब वकील, एयरफोर्स वायुसेना, वोट मत वोटर मतदाता, वलोट मतपत्र, नेवी नौसेना, स्टेनो आशुलिपिक जो लोग टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं, रिटायरमेंट मतलब सेवानिवृत्ति जब हम लोग रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, कैश नगद है ना, हम कहते हैं ना हमको कैश में चाहिए पैसे तो नगद, ट्रस्ट न्यास, ठीक है, क्लर्क मतलब लिपिक, लॉ विधि कानून को लॉ कहते हैं, इंजीनियर को अभियंता, सेक्रेटरी सचिव, बिल विधेयक, सैलरी वेतन, म्यूजियम को संग्रहालय कहते हैं, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, गवर्नर राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। तो ये ऐसे शब्द हैं जो है तो अंग्रेजी के लेकिन इनका हिंदी रूपांतरण हो गया है और कुछ ये सब जो है इनका नहीं हो पाया, तो हम एज इट इज इसको हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो आपको इस पाठ में क्या करना है, कॉपी में सिर्फ विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द और कौन सा शब्द लिखना था, समानार्थी शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और बाकी सारा जो हमने पढ़ा वो सिर्फ समझने के लिए था। तो इसकी अभ्यास कार्य के पीडीएफ आपको भेज दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको अभ्यास कार्य आपकी पुस्तक में कर लेने हैं, और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको जितने बुक में है वो आपको कॉपी में लिखना है। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर आपका यह पाठ समाप्त होता है, अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।